नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एडमिट कार्ड 2018 के बारे में। दोस्तों, अभी अभी यह खबर आई है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं 5 जनवरी 2:24 पर यह अपडेट आया है कि वो यूपी पुलिस एडमिट कार्ड 2018 जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं हो पाई उनके पीईटी एडमिट कार्ड जारी। डाउनलोड करें UPPBPB से, यानी कि यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं जिन विद्यार्थियों की यहाँ पर परीक्षा नहीं हो पाई है। तो चलिए दोस्तों, संपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, नए मेहमानों से निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आता है तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं और देख लेते हैं आखिर यह न्यूज़ कब आई थी और कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं। देखिए, आप ये देख सकते हैं, यह न्यूज़ जो आई थी 5 जनवरी 2:12 पर अपडेट किया गया था। दोस्तों, इसमें कहा गया है यूपी पुलिस भर्ती एडमिट कार्ड 2018 जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं हो पाई है उनके पीईटी एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और वह डाउनलोड कर सकते हैं यूपी पुलिस की वेबसाइट पर। चलिए और डिटेल में इसमें देख लेते हैं कि आखिर इसमें और दिया क्या है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस PAC की सीधी भर्ती जिन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं हो पाई है उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश की यहाँ पे वेबसाइट पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें और इसमें क्या होता है, आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस PAC की सीधी भर्ती जिन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं हो पाई है उनके लिए 2 सेंटर पर परीक्षा आयोजित की जा रही है, यानी कि 6 जनवरी और 7 जनवरी को ऐसे अभ्यर्थियों के लिए लखनऊ में 35 वाहन PAC मेरठ की लखनऊ और मेरठ में यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो जिन अभ्यर्थियों की यहाँ पर नहीं हुई है तो वह आकर जा सकते हैं। दोस्तों, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा यहाँ पर देख लीजिए। पहले आपको फर्स्ट स्टॉप है कि आप यूपी प्लस की वेबसाइट पर जाइए, उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करिए। उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डाल दीजिए, उसके बाद इमेज कोड डाल के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यही जानकारी आप तक पहुंचाने थी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो आप अपने चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करने ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय।